उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने जनपद में 1 अगस्त से चल रहे वोटर आईडी से आधार लिंक के लिए आधार एकत्रीकरण के केंद्र का रविवार को निरीक्षण किया, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 अगस्त से आधार एकत्रीकरण करने का कार्य चल रहा है, जिसका 1,00,000 आधार नंबर एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको देखते हुए बीएलओ के बूथ का निरीक्षण किया गया है, जिसमें पाया गया कि बीएलओ डाटा इकट्ठा कर रही हैं और यह डाटा फार्म 6B में डाटा को एकत्र किया जा रहा है, जिसके बाद यह डाटा ईओ के पास चला जाएगा, नहीं तो कोई व्यक्ति गरुड़ा ऐप के माध्यम से डाटा को एकत्र कर सकता है। इसलिए मेरा सभी नागरिकों से अपील है कि वोटर हेल्पलाइन ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें और आधार कार्ड को मतदाता सूची के डाटा में अपलोड कर दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, कोई बात नहीं, खुलिएगा खुलिए, ये आप पकड़िए अपने हाथ में, ठीक है, हम दिखाते हैं आपको। हेल्पलाइन ऐप है, उसको आपको पहले खोलना है और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जा करके कैपिटल लेटर करिए, तब तो अपने आप कैपिटल लेटर रखना, 6B क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद ओटीपी दे करके वो आप आगे बढ़ जाएंगे। इस पर आप अपना फिर से हमें बोलिए तो ISP 77 256, ठीक है, इसमें हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे आपका, ये देखिए आपका आ गया, ये ज्योति सिंह, सुशील सिंह, ये इनका डेटा आ गया है, वो गुप्ती सिंह सही नाम तो है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। आज 7 अगस्त है, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 अगस्त से आधार नंबर एकत्रीकरण का कार्य चल रहा है। आज का हमने लगभग 1,00,000 का लक्ष्य माना था कि लगभग 1,00,000 आधार नंबर एकत्र हो जाएं। हम लोग अभी सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज हमारा, ये 322 गोरखपुर अर्बन में स्थित है, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी बीएलओ साहिबान उपस्थित हैं, लोगों से डेटा कलेक्ट कर रही हैं और ये डेटा कलेक्ट होने के बाद फॉर्म 6B में डेटा कलेक्ट हो रहा है, फिर ईआरओ साहब के पास चला जाएगा, नहीं तो ये अपने गरुड़ा ऐप के माध्यम से भी उसको ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। मेरा आम नागरिकों से अनुरोध है, ये एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और ये वोटर हेल्पलाइन अपने वो मोबाइल पे डाउनलोड कर लें और आधार कार्ड को घर बैठे ही अपने जो मतदाता सूची का डेटा है उसमें अपलोड कर दें, अपडेट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।